पीलीभीत में पुलिस पर हमले के मामले में अब थाना सेहरामऊ पुलिस खुद घिरती नजर आ रही है। दरअसल मामला यह है कि पूरा पुलिस प्रशासन सकते में आ गया है, जब खुद सेहरामऊ थाना अध्यक्ष इंद्र सिंह ने सनसनीखेज खबर दी कि आरोपी को पकड़ने गई उनकी पुलिस टीम पर पत्थरबाजी कर ग्रामीणों ने दौड़ा दिया और पुलिस को जान बचाकर गांव से भागना पड़ा। घटना की सूचना पर आनन फानन में पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए और पुलिस ने 12 लोगों के नामजद सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, लेकिन ग्रामीण महिलाओं ने जिला अधिकारी से मिलकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पुलिस ने खेत पर पानी जाने के मामूली विवाद से निपटने के लिए 20,000 की मांग की और न देने पर एक पक्ष की जमकर पिटाई की, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। जिला अधिकारी ने महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद एसपी पीलीभीत को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। 10 बज गए रात में, मकारी बिटिया लेते थे, तब वही आए हमसे बूझल लगे आता है खाने कथहरी रज्जा से बैठा है, तो हम निहंग हो गए, तो हम सड़न कहे बाबू जी बता क्या कर भोसड़ी के 20,000 रुपये। मैंने कहे बाबू जी हमारे घर में आदमी नहीं, हमारे बारे बारे बच्चे, हमारी माँ, तो हमारे पास कुछ भी नहीं, तो हमारे एक बैंक चलाए, जब चलाया तो हमारी माँ ने चपट गई, तो उसको पकड़ के पलका पर से ढकेल दिया। फिर हमारे दुई हुआ ना, मैंने कही बाबू जी हम मर जाएंगे, हमारा ऑपरेशन हुआ। किस समय घटना है? 10 बजे रात में। क्यों आई थी पुलिस हमारे यहाँ? पुलिस आई थी, हमें नहीं पता कि काहे के बदी आई, हमें लोगों ने नहीं मालूम, जैसे नहर में खेत सबके हैं, हमारे खेत नहीं, हमने पटका पे डाला, तो हमारे बच्चों ने कोई सियाने कोई भैया ने काट दिया पानी, हमको पता नहीं, कि 20 दिन हो गए, अब 20 दिन के बाद कोई ने हमें जली में हमको लिखा दिया, हमें पता ही नहीं कि क्या होता क्या नहीं, हम पूछते रहे तो तुम बता तो देते। उनका ये कहना है कि किसी मामले में एसओ वहाँ गए थे जाँच करने के लिए और जांच करने के बाद जो आरोपी थे वो नहीं मिले, तो महिलाओं से पूछताछ की गई और जैसा कि इनका कहना है जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हुई कि उनके साथ अभद्रता की गई। अभी एसओ तो छुट्टी पर हैं, एसओ सेहरामऊ उतरी, अभी मेरी वहाँ पर जो एसआई हैं जो इंचार्ज एसओ का काम देख रहे हैं, उन्होंने बताया है कि वहाँ पर एक प्रार्थना पत्र की जाँच के लिए फोर्स गई थी, फोर्स गई वहाँ पर जो आरोपी व्यक्ति था उसके बारे में पूछताछ की गई, तो महिलाओं ने न केवल मजाहमत किया, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाई, साथ ही साथ ईंट पत्थर चलाए गए। अमूमन कई बार ऐसा होता है कुछ लोग जो क्राइम करते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, वो खुद ना आगे आकर करके अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं। तो ये तो अभी जो एसआई से मेरी बात हुई वो ये वर्जन है, महिलाओं ने जो अवगत कराया वो ये वर्जन है। निश्चित तौर पर एक लिखित में शिकायत प्राप्त हुई, इसमें चूँकि ये प्रकरण सरकारी अधिकारियों से संबंधित है, ये जाँच का विषय है, इस पर निश्चित तौर पर जाँच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे, अगर किसी व्यक्ति ने मजामत की है, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाई है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, अगर कहीं पर किसी सरकारी अधिकारी की कोई गलती होगी तो उनके खिलाफ जो जांच होगी। तो बताया जा रहा है कि पिटाई में कुछ दूसरे आरोपी से कुछ लेन देन करके तब पुलिस वहां पर गई थी, इसलिए उन्होंने इस तरह से लाठी बरसाई, इसलिए ग्रामीणों ने पथराव उथराव किया था, कुछ ऐसा मामला था। इसके बारे में अभी से कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि निश्चित तौर पर मुकदमे हुए हैं, जब मजामत हुई तो मुकदमे हुए हैं, अब मुकदमे के बाद एक एप्लीकेशन दी गई है, उसमें यह तथ्य भी इंगित किया गया है, अब निश्चित तौर पर जब बाकी चीज़ों की जांच होगी उसमें यह प्रकरण भी देखा जाएगा। एसपी साहब को ये बात है।